भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्धप्रतिश पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मेरा विश्वास है जब महिलाएं तरक्की करेंगी तभी हमारा समाज प्रगति कर पाएगा। जिस देश की महिलाएं पढ़ी लिखी होती है वह देश दुनिया में आगे बढ़ता है। आज ठंड बहुत है। अरे ठंड छोड़, वो देख। कंबल किसने दिया? इसको कंबल किसने दिया? यह कौन है इसका इतना बड़ा हमदर्द? ए, नाम बता उसका जिसने तुझे ये कंबल लाके दिया है। जिसने भी इसे कंबल दिया है ना, उसे हम अभी के अभी अपने समाज से निष्कासित कर देंगे ताकि दोबारा ऐसा करने की कोई हिम्मत ना करे। अरे अब बताएगी कि नहीं? अगर किसी ने मुझे पूछा तो मैं क्या बोलूंगी? कुछ मत कहिएगा और सब लोग सोचते रहेंगे कि किसने दिया कंबल। अरे फूंकती क्यों नहीं मुझसे? अरे सच सच बता, किसने दिया तुझे ये कंबल? सही से बैठ। दीदी एक कंबल नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ होगा? कहाँ जाएगा ये? यही था कल रात को, मैंने तो यही देखा था। रात को भी उस औरत को दे आया क्या? क्या कहा तुमने? आपको कैसे पता? रात में जब हम लौट रहे थे तो वो औरत वही कंबल लेकर बैठी हुई थी। ये लड़का भी ना, चाहे जितना भी समझा लो समझता ही नहीं है। जरूरी नहीं कि उसे सारी बातें हमें समझाए, कुछ बातें उसे खुद समझने दो। उसने जो भी किया है सही किया है, उसके हर कदम पर टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है। तुलसा, मंजुला आओ मेरे साथ, तुम कंबल सुखाते हैं। मेरा डब्बा दो। हाँ भैया, बस दो मिनट। भैया आप तो जानते हो ना कि जमाना कितना खराब है, लड़कियों को हमेशा कुछ ना कुछ सहना ही पड़ता है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप कुछ भी करके
गंगा को उसके ससुराल वापस भिजवा दो। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो भी मेरी तरह मायके में ही रह जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। अरे राम जी काम पे नहीं चलना क्या? ये रंग कैसा? काम करते समय लग गया होगा। राम जी नमस्ते भाभी। नमस्ते नमस्ते भाई साहब। राम जी है ना जी। वैसे भाई साहब काम कौन सा करते हैं आप लोग? अरे भाभी जी कमाल का काम है, वो दुकान पे जो ग्राहक लोग आते हैं ना उधारी ले जाते हैं, बस उन्हीं के उधार का हिसाब किताब रखना होता है। क्या कर रही हो मीरा, जल्दी से डाबा तो देर हो रही है। भैया गरम भाकरी उतर रही है। लेकिन आपके भैया तो कुछ और ही काम बता रहे थे। गए तो भाभी जी उसी काम के लिए, लेकिन सेठ जी ने दूसरे दिन कुछ और ही काम बता दिया। अच्छा वो क्या कहते हैं उस काम को, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ। अरे राम जी तुम ही बताना भाभी जी को क्या नाम है उस काम का। बताइए ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट। हाँ भाभी जी यही काम। भाभी जी वो बोरा ढोने से तो काफी अच्छा काम है। चलो अच्छी बात है। मेरा क्या करी हो, डब्बा दो जल्दी, देरी हो जाएगी। चल 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 चल, अगर देरी हो जाएगी तो सेठ जी काम से निकाल देंगे। चलो 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 चलो। इसमें तो लिखा है कि तुम्हारे गंगा दीदी की तबीयत बहुत खराब है और उनकी तबीयत दिन पे दिन और खराब होती जा रही है। जीजा जी आप जल्दी से घर आ जाइए। हाँ गुरु जी, ताकि जीजा जी ये पढ़ के तुरंत आ जाए और वो ही आएंगे तो उनसे अच्छे से बात हो जाएगी। तो भीम एक काम करो, ये पत्र जल्दी से जाकर डाकखाना में डाल दो, ठीक है? ये लो। वो डाकखाना ना बगल वाले गाँव में ही है। बाकी सब ठीक है ना गुरु जी? हाँ भीम सब ठीक है, पत्र डाल देना, ठीक है? चल भी मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। आनंद भैया रहने दो, मैं यूं आया और यूं आया। कल उसे धक्का दे देना ऊंचाई से, उसके हाथ पैर टूट जाएंगे। जब उसके हाथ पैर ही टूट जाएंगे तो वो परीक्षा में नहीं बैठेगा। चला गया, कहीं दिख नहीं रहा है। मैं यही उसके आने तक इंतजार करता हूँ। अंबेडकर जी, भाई आप तो भीमराव के पारिवारिक गुरु बने हुए हैं। अध्यापक जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो बच्चा बहुत मेहनती है और एक अध्यापक होने के नाते मेरा यह परम कर्तव्य है कि उसकी समस्याओं को सुनूं और उसका समाधान कर सकूं, ताकि वो स्वतंत्र मन से पढ़ाई पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। समझे नहीं आप, ये जो आपका मेहनती बच्चा है ना भीमराव, इसके बाप के साथ आपने कोई समझौता तो नहीं किया? ये पूछ रहा था मैं, ये जो छोटे लोग होते हैं ना,
अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। शर्म नहीं आती आपको? एक शिक्षक को कैसी बातें करते हैं आप? क्या समझौता हो सकता है उनका मेरे साथ? मुझे नहीं मालूम था कि आपकी सोच की सीमा यहां तक है। गुरु शिष्य के संबंध में इतनी घटिया सोच है आपकी, ये जान के मुझे बहुत अफसोस हुआ। ये मेरी सोच नहीं है अंबेडकर गुरु जी, उनकी जाति ऐसी है, उसकी फितरत वैसी होती है। कुछ भी कर सकते हैं। आपको अपनी फितरत दिखाई नहीं देती है? बहुत ही घटिया सोच है आपकी, और अपनी सोच आप अपने पास ही रखिए। मेरी सोच इतनी घटिया और आपकी सोच इतनी पवित्र, वाह। एक बात याद रखिएगा, मैं अपनी सोच को सीमित नहीं रखूंगा, सब में फैलाऊंगा। बच्चों आओ, इधर आओ, बच्चों इधर आओ, सब इधर आओ। पर एक बात बताओ मुझे, क्या ये अंबेडकर गुरुजी भीमराव को इतना प्यार क्यों करते हैं? भीमराव क्यों करते रहते हैं? ये तो पता नहीं गुरुजी, पर प्यार तो बहुत करते हैं। तो बताइए कि आप भीमराव के क्या लगते हैं? मामा है, मौसा है कि फूफा है? बताइए सबको क्या लगते हैं। बच्चों तुम लोग जाओ, जाओ तुम लोग। ए, कोई नहीं जाएगा, इनका जवाब सुने बिना कोई नहीं जाएगा। बताइए तो क्या लगते हैं आप? दिमाग खराब है आपका? बच्चों के सामने ऐसी बातें करते हैं आप? दिमाग तो खराब होगा ही ना अंबेडकर गुरुजी, अच्छे घरों के बच्चों को छोड़कर आप भीमराव के चक्कर में लगे रहते हैं। बताइए, आप बताइए ना। क्या हो रहा है सर, इतना शोर क्यों मचा रहे हो आप लोग? अध्यापक जी से पूछिए। मुझसे क्यों? आप ही बता दीजिए, बच्चों को भी पता लग जाएगा और उप प्रधानाध्यापक जी को भी पता चल जाएगा कि आपका भीमराव से क्या रिश्ता है। अनुशासनहीनता है ये, अखाड़ा नहीं विद्यालय है ये। आप दोनों ऑफिस में आके मिलिए मुझसे। चिट्ठी डाल रहा हूँ। रामजी सखपाल का बेटा इस डिब्बे में चिट्ठी नहीं डाल सकता, इस डिब्बे में हम ऊंची जाति के लोगों की चिट्ठियाँ जाती हैं। तुम लोग अपनी चिट्ठियाँ डालोगे तो हमारी चिट्ठियाँ दूषित हो जाएंगी, समझे? लेकिन ये चिट्ठी डालना जरूरी है, मेहरबानी करके डालने दीजिए ना। इतना जरूरी है ना, तो जाओ दौड़ के जाओ अपनी चिट्ठी दे आओ। क्या कर रहे हो? अगर आप मुझे चिट्ठी डालने नहीं दोगे तो मैं यही इंतजार करूंगा, और जब आप घर जाओगे तो मैं इसी पत्थर से ये तोड़ूंगा, सारी चिट्ठियां निकालूंगा और फाड़ के फेंक दूंगा। अगर मेरी चिट्ठी नहीं जाएगी तो किसी की भी चिट्ठी नहीं जाएगी, और मैं सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा हूँ। ये नहीं मानेगा, आप इसकी चिट्ठी का शुद्धिकरण कर दीजिए। ठीक है, इसका शुद्धिकरण करना पड़ेगा। शुद्धिकरण? हाँ, अपनी चिट्ठी वहां रखो नीचे जमीन पे। Oh,
अरे ये तो वो है, इसे कौन छुएगा? अरे ये तो रामजी सतपाल का बेटा है। अरे इसे तो बहुत चोट आई है भाई। लेकिन कोई तो उठाओ इसको। अरे कौन उठाएगा इसे, अशुद्ध थोड़े ही होना है भाई। तुम्हारा खेत तो बेकार हो गया। अरे भाई कोई उठाओ इसे, हमारी जमीन पे मरेगा, हमारी जमीन को अशुद्ध कर देगा। नहीं नहीं, हम लोग नहीं उठा सकते भाई, हम लोग नहीं उठा सकते भाई। क्यों भाई, हम लोग नहीं उठा सकते। अरे भाई तू खुद ही जा यहाँ से उठकर, मेरा ही खेत मिला था तुझे मरने के लिए, चल भाग यहाँ से। अरे कोई से घर जाओ, विद्यालय जाओ और बताओ ये मर रहा है यहाँ पर। चलो। कैसा है ना राम जी, कोई काम करते रहो तो वो धीरे धीरे अपना सा लगने लगता है। अब ये रंग चढ़ाना उतारना भी नया नहीं रहा है ना। अरे कहाँ खोया हुआ है तू, मैं कब से तुझसे बातें किए जा रहा हूँ, तू जवाब ही नहीं दे रहा है। अरे रंग नहीं लगाना है, बाहर देख बाजार लग गया है, चल जल्दी कर। रंजन आज मेरा मन बेचैन हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। घर जा रहा है? अरे राम जी, अरे सुनो तो राम जी, सुनो तो राम जी। अरे रुको राम जी, अभी अभी आए, अभी अभी जा रहे हो, ऐसे काम कैसे करोगे? माफ कीजिए सेठ जी, आज थोड़ी घबराहट सी हो रही है, अभी मैं जाता हूँ, कल आ जाऊंगा। अरे राम जी, अरे ओ राम जी, क्या हुआ? अरे तुम्हारा बेटा भीम उधर खेत में गिरा पड़ा है, उसे बहुत चोट आई है। बीवा? क्या 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 हुआ? क्या 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 हुआ? बीवा को कहा है, कैसी चोट लगी उसे, बताइए। अभी कुछ मत पूछिए, उसे बहुत चोट आई है, जल्दी चलिए आप लोग, चलिए चलिए। दीदी मैं आती हूँ। हाँ हाँ जल्दी जाके देख। आप लोग जो काम कर रहे हैं वो शर्मनाक है। अरे शिक्षक होके बच्चों के बीच में लड़ाई कर रहे हैं, क्या सीख मिलेगी बच्चों को? और कल अगर बच्चे लड़ने लगे तो हम किस मुंह से रोकेंगे उन्हें? विद्यालय में तो कम से कम मर्यादा का ध्यान रखें आप लोग। मुझे नहीं, इन्हें समझाइए। बच्चों के सामने घटिया बातें करके पता नहीं क्या साबित करना चाहते थे ये। अरे मर्यादा नहीं रखेंगे तो घटिया बातें तो होंगी ना। मर्यादा में मैं नहीं था या आप नहीं थे? बच्चों के सामने मामा मौसा तैसा ताऊ ये सब कौन कर रहा था? अरे तो पूरे विद्यालय में आपको सिर्फ एक ही छात्र दिखता है, वो है भीमराव। जब इस तरह उसके साथ जुड़े रहेंगे तो फिर रिश्ता तो जुड़ेगा ही ना। चुप रहिए आप लोग। और अंबेडकर साहब आप ऐसा काम करते ही क्यों हैं कि लोग आप पर आरोप लगाएं? उप प्रधानाध्यापक जी, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। फिर भी यदि आपको लगता है तो आप मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया है। बच्चों के सामने एक शिक्षक की विद्यालय की गरिमा को गिराने का काम किया इन्होंने, जिसकी वजह आप हैं। आप दोनों को विद्यालय से एक एक सप्ताह के लिए सस्पेंड किया जाता है, आप लोग जा सकते हैं। गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी जल्दी चलिए ना, जब भीम डाकघर से वापस आ रहा था किसी ने उसे धक्का दे दिया, उसे बहुत चोट लगी है। बाला भैया गए भागते हुए, आप भी चलिए ना, जल्दी चलिए। चलो चलो।